हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो है नई भर्तियां करना नहीं होगा आसान इसके ऊपर। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर आज की अपडेट आई है, आज की खबर है राजस्थान पुलिस, पटवारी, होमगार्ड, जेई, आरपीएससी, हाईकोर्ट की जो भी आपकी वैकेंसी आई है, तो दोस्तों उनकी एग्जाम कंडक्ट करवाना आसान नहीं है। नई भर्ती 2021 में होगी, तो क्या इनकी एग्जाम भी 2021 में होगी, क्या है वो खबर, देखते हैं हम। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, ये आपकी पत्रिका न्यूज अजमेर की न्यूज है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग। वैसे दोस्तों आरपीएससी के बारे में बोला गया है, पर एग्जाम आपकी सभी की सेम होती है, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पटवारी हो, क्योंकि एग्जाम के लिए सेंटर चाहिए। सेंटरों के लिए अपनी कितनी कैपेसिटी आई, आपके सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है उसके अंदर। तो इस प्रकार से वो यहाँ पर क्या अपडेट है, भर्ती परीक्षाएं कराना नहीं होगा आसान, स्थिति सामान्य होने पर भी बढ़ सकती है परेशानी। तो यहाँ पर क्या, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती परीक्षाएं कराना आसान नहीं है। फिलहाल लॉकडाउन के आयोग का कामकाज ठप है। राज्य में सामान्य स्थिति होने के बाद भी एक साथ केंद्रों पर अभ्यर्थियों को बुलाकर परीक्षा कराना सिरदर्द साबित होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग वर्ष 2019-20 में चिकित्सा विभाग के अंदर जो आपकी वैकेंसी आई थी, 176 वरिष्ठ प्रदर्शक के लिए 93 और आयोजक विभाग के लिए 6 पद यहाँ पर बोले गए हैं। कारखाना है टोटल जो 900, यहाँ पर ये पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए 900 पद हैं। तो यहाँ पर ये जो भी आई है प्रधानाध्यापक संस्कृत भर्ती है, उस पर भी संकट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कई संभागों में कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ रही है। राज्य में लॉकडाउन की स्थिति है। आयोग 11 से 14 मई तक प्रस्तावित प्रधानाध्यापक संस्कृत शिक्षा भर्ती 2018 संकट मंडराया है दोस्तों। ये तो आपकी पोस्टपोन होनी होनी है। तो यहाँ पर इस परेशानी से जूझना होगा आयोग को। संभाग जिलों पर परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करना, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही दोस्तों लॉकडाउन खत्म होगा, तो आपके लॉकडाउन को यहाँ पर जो सेंटर है उनको सैनिटाइज करके बाद में ही एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। हजारों अभ्यर्थियों को एक साथ केंद्रों पर बुलाना, ये दोस्तों समस्याएं सभी एग्जाम में होगी, चाहे वो पुलिस की हो, मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे वो हाईकोर्ट हो, चाहे वो पटवारी हो, इनमें तो लाखों फॉर्म भरे गए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करना होगा चुनौती। परीक्षाओं के टाइम टेबल से भी फिर से तय करना पड़ेगा। पेपर सेंटर्स में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन पेपर तैयार करना, प्रश्न पत्रों को प्रिंटिंग एवं केंद्रों तक पहुंचाना। तो दोस्तों देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि इनके एग्जाम है वो कब तक होने वाली है। भर्तियों को के लिए करना पड़ेगा इंतज़ार, युवाओं और बेरोजगार अभ्यर्थियों और सरकारी विभागों की नई भर्ती परीक्षाओं का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा कई भर्तियाँ के लिए साक्षात्कार कार भी कराए जाने हैं। आरएएस है, अधीनस्थ बोर्ड है, 2020 की प्रधानाध्यापक भर्ती है, जो भी है अभ्यर्थियां अटकी हुई है, यहाँ पर नीचे दिया गया देख सकते हो। नई भर्तियां मिली तो परीक्षाएं 2021 में, कार्मिक विभाग से आयोग को नई भर्तियां मिलने की मुश्किल दिख रही है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही भर्ती मिलने के आसार है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षाएं तिथियाँ तय होंगी। नई भर्तियों की परीक्षा 2021-22 में ही कराना संभव होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, जेई मेन यहाँ पर दे दिया गया। जेई मेन्स नज़दीकी शहर चुनने के लिए विकल्प, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दी सुविधा। तो यहाँ पर ये दोस्तों देख सकते हो, तो टोटली आपको अगर मैं बता दूँ कि चाहे कंपटीशन की कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, जून जुलाई से पहले दोस्तों कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है। जुलाई अगस्त के बाद में ही सभी की एग्जाम होंगी, यानी कि 2020 के लास्ट तक सभी की एग्जाम हो वो कंडक्ट करवाई जाएगी। सीधे सीधे शब्दों में यही है, क्योंकि आपका इतनी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। जब तक दोस्तों मरीज रहेंगे, तब तक यहाँ पर किसी को भी एग्जाम के लिए इतना बड़ा रिस्क सरकार नहीं लेगी, क्योंकि कितना बड़ा यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ रहा है, कितना आपके वर्कशॉप, कारखाने सभी बंद हैं। तो यहाँ पर इतने होने की वजह से वो बंद हैं, तो ये तो एग्जाम है, तो ये तो सरकार को पता है कि वो बाद में भी करवा सकते हैं। तो एग्जाम आपकी आराम से दोस्तों अगस्त से पहले नहीं होने वाली है। अगस्त तक की लेकर आप दोस्तों तैयारी कीजिए, अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, घर पे रहिए आराम से। और तब तक के लिए कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।